कोवलेंट बॉन्ड पार्ट 10 में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रकार के संकरणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि सहसंयोजक यौगिकों के बंधन को समझा सकें। हमें मालूम है कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग की टेक्निक है। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग की ये तकनीक है, तो किसी भी प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षकों में स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस होता है, यानी एनर्जी गैप कम होता है, तब उनसे अच्छे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस ऑर्बिटल अच्छे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला हाइब्रिडाइजेशन हम ले रहे हैं, वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन में एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हमेशा जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब ये है कि एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक पार्ट एस का है और एक पार्ट पी का, यानी इनका रेशियो है। तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब ये नहीं है कि एस और पी दोनों ऑर्बिटल्स जुड़ गए और जुड़ने के बाद उन्होंने एक एसपी ऑर्बिटल बना दिया, ऐसा नहीं है। ये ऐसे है कि एस और पी ऑर्बिटल दो अलग-अलग थे, इनको लेके मिक्स कर दिया और मिक्स होने के बाद इन दोनों की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस हो गई, ख़त्म हो गई, और उन्होंने उतनी ही मात्रा में यानी दो ऑर्बिटल्स बनाए और दोनों के दोनों एसपी ऑर्बिटल्स थे। क्योंकि हर एक ऑर्बिटल को बनाने में, हर एक एसपी ऑर्बिटल को बनाने में एक भाग एस का और एक भाग पी का कंट्रीब्यूट हुआ या योगदान हुआ। ये जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 180 डिग्री पर ओरिएंटेड होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये कोई कार्बन है और उसके एक एस और एक पी ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जुड़े हैं, तो वो इस तरीके से एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर ओरिएंटेड हो जाएंगे। ये भी एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पी ऑर्बिटल में दोनों पालियां बराबर होती हैं, लेकिन एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बनेगा तो इसमें एक पाली बड़ी और एक पाली छोटी हो जाएगी। तो यूजुअली जो छोटी पाली है उसको हम नहीं दिखाते हैं, इसी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को केवल एक पाली से दिखा दिया, और ऐसे ही मैंने कुछ यहाँ पे किया है। अगर इसको सही ढंग से बनाया जाए तो ये जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसकी छोटी पाली यहाँ पर आएगी, और ये जो हाइब्रिड एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसकी छोटी पाली यहाँ पर आएगी। तो वास्तव में सही तरीका ये है, लेकिन यूजुअली कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को केवल एक पाली या एक लोब से दर्शा देते हैं। अब एसपी हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल हैं, वो कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि BeH2, BeCl2 और C2H2। एसपी हाइब्रिडाइजेशन को हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं BeH2 लेकर, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल में ये देखना होता है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम इसमें बेरिलियम है,
अब इसके बाद बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p0 है। इसमें जो वैलेंस शेल है वो 2 है, यानी संयोजी कोश 2 है। संयोजी कोश की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंधन में या बॉन्डिंग में केवल वैलेंस ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर वाला जो हमारा ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, वो बंधन में भाग नहीं लेता है, इसलिए हम केवल वैलेंस शेल की बात करते हैं। तो अब हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जिसे हम इसकी ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से होता है कि ये 1s ऑर्बिटल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2s ऑर्बिटल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2p ऑर्बिटल है जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पर हम इस 1s ऑर्बिटल को ओमिट कर सकते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब BeH2 में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 में, 2s में, और ये दोनों के दोनों ही पेयर्ड हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि s ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल है कंपैरेटिवली एनर्जी वाइज। तो s ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, इसलिए हम बोलेंगे कि अब इसकी ये एनर्जी स्टेट है। और एनर्जी स्टेट में 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब एनर्जी स्टेट के बाद ये हाइब्रिड स्टेट आती है, और हाइब्रिड स्टेट में ये एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, और ये 2p ऑर्बिटल बचे रह जाते हैं, जबकि ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं नए। इन दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। 2p ऑर्बिटल्स जो दो बचे हैं ये खाली रह जाते हैं। अब इसके बाद आती है बंधित अवस्था या बॉन्डेड स्टेट। तो बॉन्डेड स्टेट में निश्चित तौर पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से दिखा दिया है, और बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को मैंने एरो से दिखा दिया है, हाफ एरो। हालांकि इलेक्ट्रॉन सब सेम होते हैं, लेकिन ये सिर्फ दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए हमने इस तरीके से दिखाया है। जहाँ तक इस BeH2 की बॉन्डिंग की बात करेंगे या स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हमें मालूम है कि बेरिलियम है, इसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो निश्चित तौर पर दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे। तो ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल हो गया, s ऑर्बिटल। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये शेयरिंग हो जाएगी। अगर इसको लाइन स्ट्रक्चर से हम दिखाएं तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि बेरिलियम और हाइड्रोजन एक दूसरे से इस प्रकार बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। ठीक इसी तरीके से BeCl2 को भी दिखा सकते हैं, बस फर्क ये हो जाएगा कि अब की बार BeCl2 में बेरिलियम की बजाय क्लोरीन होगा, और क्लोरीन का p ऑर्बिटल इस तरीके से बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो ये क्लोरीन है, और ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, और ये बेरिलियम के sp ऑर्बिटल्स हैं। अगेन BeCl2 में भी वही 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा,
और सेम इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा सकते हैं, एग्जैक्टली यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, बस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड हो जाएगा। अगर हम C2H2 की बात करें तो C2H2 का जो हाइब्रिडाइजेशन SP हाइब्रिडाइजेशन है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरेटिकल अप्रोच है वो यही होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p2। मैंने बताया कि सिर्फ मैंने आउटर शेल का लिया है तो इसकी ग्राउंड स्टेट को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ कार्बन की, कि ये 2s ऑर्बिटल हैं और ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन 2s में हैं, दो इलेक्ट्रॉन 2p में हैं। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का उठकर एक खाली p ऑर्बिटल में चला जाएगा और इस तरीके से अभी ये चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन ही है, तो ये एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होकर और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे दो, और ये दो हमारे पास p ऑर्बिटल्स बचे रह जाएंगे, ये 2p ऑर्बिटल्स हैं। अब इसके बाद इनकी बॉन्डेड स्टेट, तो बॉन्डेड स्टेट में डेफिनेटली ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बंधेगा जबकि दूसरा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनेगा। हमने देखा है कि यहाँ पर C2H2 है और जो दूसरा कार्बन होगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा कि उसके पास भी इस तरीके से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। एक तो इन्होंने इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना लिया है और दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ, दूसरी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन में, यानी कार्बन नंबर 1 की ये बॉन्डेड स्टेट है और ये बॉन्डेड स्टेट है कार्बन नंबर 2 की, तो यहाँ पर भी इनके p ऑर्बिटल्स हैं और उन p ऑर्बिटल्स में भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये p ऑर्बिटल्स मान लीजिए px और py ऑर्बिटल्स हैं, ये px और py ऑर्बिटल्स हैं, तो px px ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, PY ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। लेकिन अब की बार ये जो बॉन्डिंग होगी वो पाई बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जो बॉन्डिंग डायरेक्शन थी वो Z डायरेक्शन थी, तो Z ऑर्बिटल्स यहाँ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के काम में आ गए थे, इसलिए अब बचे हुए PX और PY ऑर्बिटल्स की मजबूरी हो गई कि वो पाई बॉन्ड बनाएं, यानी कोलिनियर ओवरलैपिंग की बजाय कोलेटरल ओवरलैपिंग करें। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर इसको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाएं तो ये कार्बन है, इसके पास ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp sp। यहाँ पर एक कार्बन के साथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका भी है और दूसरा इसका है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, तो यहाँ पर ये इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर भी ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहाँ पर ये दोनों कार्बन अपना अपना एक एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे इस सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो आप देखिए कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो सब सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे। अब बात करें हम px और py ऑर्बिटल्स की, तो कार्बन का ये ऑर्बिटल px ऑर्बिटल है, इस कार्बन का भी ये ऑर्बिटल px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल इस प्लेन के ऊपर और नीचे होगा क्योंकि ये pz ऑर्बिटल वाली लेन थी, तो py ऑर्बिटल को मैंने ऐसे बनाया और इसके py ऑर्बिटल को भी मैंने ऐसे बनाया। अब होगा ये कि इस कार्बन के साथ ये पाई बॉन्ड बना है, इसी तरीके से
इस कार्बन के साथ पी वाई पाई बॉन्ड बनाए। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना है और इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना है, यानी पी एक्स ऑर्बिटल के साथ और पी वाई ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये C2H2, जिसमें कि sp हाइब्रिडाइजेशन है मगर पाई बॉन्ड्स भी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल्स का संकरण नहीं हुआ है, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे और संकरित कक्षक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, या अधिकांश केसेस में, 99% केसेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद sp2, sp3 और दूसरे हाइब्रिडाइजेशन हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।